कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बहुत विपन्न हैं, गरीब हैं, तो उनको भी हिस्सेदारी मिले, समझे ना, ये इसमें काम करेगा इसके लिए। देखिए अब उसमें गांव में जो बहुत से गरीब वो मुखिया महिला अब इस उम्र के पड़ाव में है वो, क्यों रोजगार काम नहीं कर सकती या बाहर नहीं जा सकती, कोई ट्रेनिंग भी नहीं ले सकती, उनको ज़्यादा लाभ होगा। बाकी जो अन्य महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, न्याय पत्र के बारे में जानकारी थी, स्थानीय मुद्दे जो मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित वादा खिलाफी के थे, चाहे लाडली बहना का मामला हो, चाहे MSP का बहाना हो, उस पर भी आपने चर्चा की। साथियों, मैं सिर्फ रीवा के वर्तमान सांसद के बारे में, श्री जनार्दन मिश्रा के बारे में एक चर्चा करूंगा कि शायद ही हम लोगों ने कभी रीवा का नाम संसद में, रीवा की कोई समस्या जनार्दन मिश्रा जी को उठाते देखी। जनार्दन मिश्रा जी ने रीवा की कोई समस्या आज तक संसद में नहीं उठाई। उन्होंने जिस तरीके से सांसद निधि का दुरुपयोग किया है, एक भी व्यक्ति को, अगर आप ये नहीं कह सकते कि किसी विकलांग व्यक्ति को, किसी सैनिक को, पूर्व सैनिक को, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, कहीं उन्होंने थोड़ी भी मदद अपनी सांसद निधि से की हो। उनकी सांसद निधि का उपयोग केवल जो रोड के किनारे वो यात्री प्रतीक्षालय बने रहते हैं उनमें प्रयोग किया गया है, या वाटर टैंकर देने में किया गया है। इतनी बड़ी राशि का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया है, वो बात अपने आप में उनके कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। हमारे जो जनार्दन मिश्रा जी हैं, ये पहली बार जीते, फिर दोबारा जीते, और ये उनका तीसरा टर्म। आपने देखा कि वो केवल एक स्थानीय नेता के हाथ की कठपुतली बनकर और रिमोट कंट्रोल से चलने वाले सांसद हैं। मेरा सोचना है कि इस बार रीवा की जनता पूरी तरीके से मन बना ली है उसने रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा जी का परिवर्तन करने का, और लगभग जितना अभी हमारे प्रत्याशी के द्वारा जिले का दौरा किया गया है, तो हमारे को ऐसे रुझान मिल रहे हैं कि भारी समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो कांग्रेस के न्याय पत्र पर आधारित थी। इसको हमेशा की भांति मीडिया ने, रीवा के समाचार पत्रों ने और रीवा के जो हमारे पत्रकार साथी हैं, इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ न्यायपूर्ण रवैया किया है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारी इस प्रेस वार्ता को आप अपने प्रसारण में स्थान देंगे। आप सभी लोग यहां आए, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। अगर अब आपकी ओर से कोई प्रश्न हो, और कभी किसी भाजपा सरकार ने नहीं, मुझे याद है सुंदरलाल पटवा जी ने 1990 में जब चुनाव हो रहे थे तो पटवा जी ने कहा था कि 50,000 रुपए किसानों का माफ़ करेंगे, लेकिन उसके बाद माफ़ी नहीं हुई। किसी भी भाजपा सरकार ने किसानों की उसके सरकार में आने के बाद सुध नहीं ली, लेकिन कांग्रेस ने किया। याद करें आप, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपये उन्होंने माफ़ किया था देश के किसानों का। फिर जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी 1.5 वर्षों के लिए, तो कर्ज माफ़ी की योजना लागू हुई और लगभग 70% किसानों को लाभ मिल गया था। प्रमाण पत्र उनको जारी हो गए थे बैंकों के द्वारा, 30% ही बचे थे, और सरकार जाने के कारण, न रह जाने के कारण वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन कांग्रेस ही कर्ज माफ़ी करती है, ये लोग तो करते नहीं हैं। फिर अभी मोदी जी अब कह रहे हैं मोदी की गारंटी, पुरानी गारंटियाँ पूरी नहीं हुई पूर्व की, अब नई गारंटी आ रही। अभी चुनाव में विधानसभा के छत्तीसगढ़ में उन्होंने किसी सभा में भाषण दिया था कि किसानों को 3100 रुपये क्विंटल धान की कीमत देंगे और 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य में। ये मोदी जी ने घोषणा की थी, आप सुनी होंगे, तो प्रचारित भी हुई थी। और देखिए कितनी बड़ी अज्ञानता है, बहुत विषय का ज्ञान नहीं है। अब कैसे भाषण होते हैं, एक टेलीप्रॉम्प्टर एक यंत्र आ गया है, ये भी आप लोग जानते हैं। धान की कीमत हमेशा गेहूं से कम रहती है और गेहूं की कीमत समर्थन मूल्य में 100-150 रुपए ज़्यादा रहती है, अभी पता कर लीजिए। धान हमारी 2150 में खरीदा था सरकार, गेहूं अभी 2275 में है, करीब छोड़िए, इन्होंने तो घोषणा की थी 2700 धान की,
और 3100 गेहूँ की और 3100 रुपये धान की। धान का सीजन चला गया, एक बोरा भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में उन्होंने नहीं खरीदा, और गेहूँ की का भी खरीदी शुरू हो गई। इसमें भी देख लीजिएगा कि उनको 2700 मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो देखिए, असत्य कथन और छल झूठ ये इनकी आदत में है इन लोगों के। और चले गए और पिछली भाजपा की सरकार बनाने में मामा की जो लाडली बहना योजना है उसका बड़ा योगदान था, क्योंकि हम लोग जो अनुमान लगाते थे और फिर मीडिया भी जो सारे प्रिडिक्शंस थे वो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश बनाते हुए बनती हुई देख रहे थे। लाडली बहना ने जो 1250 शिवराज ने घोषणा किया था, महिलाओं ने चुपचाप वोट दिया, घर के पुरुषों को नहीं पता लगा, और उसके बाद वोट एक अंदर हो गई, इसलिए माहौल ही नहीं दिखा। नहीं, इतने वोटों से इतनी सीटें आने के बाद किसी पार्टी कितना हर्ष होता है, एक माहौल होता है, कुछ नहीं था, बिल्कुल ठंडा था। लोग सोच रहे थे हो क्या गया, आश्चर्यचकित थे लोग, ये बहुत बड़ा वो था। और फिर शिवराज ने क्या कहा, जब ये 1250 है, सरकार बनने के बाद 3000 देंगे। अब वो सरकार बने हुए तो कई महीने हो गए हैं, 3000 नहीं आया है, और भी कुछ आप बताना चाहेंगे? बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, जो घटनाक्रम घट रहे हैं उससे ये संकेत मिलता है, और तानाशाही की परछाई तो दिख रही है हम लोगों को। मुल्क में सभी संवैधानिक संस्थाएं हमारी खतरे में हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका बेजा उपयोग हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको संविधान ने अधिकार दिए हैं और सरकार से उनसे कोई लेना देना नहीं है, जैसे हमारा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में पिछले दिनों क्या हुआ, कैसे नियुक्तियां हुई, कैसे एक आयुक्त की नियुक्ति 24 घंटे के अंदर हो गई, उसने इस्तीफा भी दे दिया पद से जहां था, वहां पर प्रपोजल भी बन गया, गृह मंत्री ने अप्रूव कर दिया, प्रधानमंत्री ने उसी दिन अप्रूव कर दिया, उसी दिन राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया और उसी दिन रात को उनको नियुक्त कर दिया। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जिनको इस तेज़ी से नियुक्त किया गया उन्होंने अपने अभी कुछ दिन पहले चुनाव शुरू होने के 10 दिन पहले उन्हीं सज्जन ने इस्तीफा दिया। यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अंदर, तो मतभेद इतने गहरे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त से, ये बात समझ में आती है। तो आप देखें कि हमारा चुनाव आयोग क्या परंपरा रही है। आप सेशन जी का समय याद करें, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी सेशन तैयार रहते थे कार्रवाई करने के लिए, और नोटिस मिले थे, हमें लगता नरसिम्हा राव जी को उन्होंने नोटिस दिया था। लेकिन आज हमारा जो चुनाव आयोग है इतना पंगु हो गया है, इतना प्रभावहीन हो गया है, शक्तियाँ रहते हुए संवैधानिक संस्था है, सरकार का कोई दखल नहीं होता, और इसीलिए कि ये इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे, सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्गदर्शिका दी थी एक बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस और आपके प्रधानमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष, तो इसमें किसी एक दल का बहुमत नहीं होता और बेहतर निर्णय होते। लेकिन तत्काल, क्योंकि सूट नहीं करता था मोदी जी को, तो उन्होंने तत्काल इसमें संशोधन कर दिया, एक कानून ले आए लोकसभा में, और फिर उसमें प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। तो अभी दो चुनाव आयुक्तों की कैसे नियुक्ति हुई आप लोगों ने देखा, तो ये सब खतरे में। सीएजी, जो सीएजी है 2G घोटाला याद करें, तथा कथित आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया, लेकिन 1,75,000 करोड़ की विनोद राय ने एक आंकड़ा दे दिया कितना घोटाला हुआ और किस तरह उसका दुरुपयोग। आज सीएजी ने कई ऐसे चीज़ें पकड़ी हैं, लेकिन कोई प्रचार प्रसार नहीं, बाहर आती नहीं है। ये संस्थाएं अब स्वतंत्र रहें, इंडिपेंडेंट रहें, तो ये एक आवश्यक बात है देश में। फिर मोदी जी की वादा खिलाफी बड़ी लंबी कहानी है, हर बार वो मुकर जाते हैं, कहीं किसी वादे को जुमला कह दिया जाता है,
लेकिन दुर्भाग्य यह है, अब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ मीडिया पर, ये आप मत सोचिएगा, लेकिन कोई ना कोई कारण है जिससे वस्तुस्थिति वास्तविकता देश की जनता के सामने नहीं आ पा रही है। जबकि लोकतंत्र में मीडिया का उतना ही रोल होता है, उतना ही उसकी जिम्मेदारी होती है जितनी विधायिका की, जितनी कार्यपालिका की, जितनी न्यायपालिका की। इतनी बड़ी शक्ति मीडिया के पास है, आम आदमी से जुड़े मीडिया सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, और पहले होता था, प्रधानमंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते थे, जवाब देना पड़ता था, कटघरे में मीडिया खड़ा करती थी, तो मीडिया का एक अलग ऑरा था, एक अलग ताकत दिखती थी मीडिया। आज थोड़ा सा कमज़ोर हो गई है। ये कहते हुए हम ज़्यादा और कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसमें मैं समझता हूँ किसी को आहत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख लें कितनी कितने वादे थे, अब 14 में आए, और जुमलों तो छोड़ दीजिए, वो चर्चा करना व्यर्थ है। 14 में जब आए तो 15 लाख का वादा, हर खाते में 2 करोड़ रोज़गार का वादा, और उसके बाद जब सत्ता मिल गई तो अमित शाह जी ने किसी एक सभा में कह दिया, वो तो जुमला था, और 2 करोड़ रोज़गार वाला वादा भूल गए, 30 लाख पद खाली, वो भरा नहीं, 2 करोड़ कहाँ देंगे। पेट्रोल डीजल की बात की थी, दाम घटाने की बात की थी, और उनके जो प्रवक्ता हैं तथाकथित बाबा हमारे रामदेव जी, वो तो कह रहे थे डीजल 30 रुपया होगा, पेट्रोल 40 रुपया होगा। और मोदी जी एक भाषण मैं सुन रहा था रास्ते में पुराना, वो कह रहे थे जब वोट डालने जाइएगा तो गैस सिलेंडर जो है उसको प्रणाम करके जाइएगा, उसको नमस्कार करके जाइएगा वोट डालने, 14 के चुनाव के पहले के लिए। तो ये सारी बातें होती थी, और गैस सिलेंडर के क्या रेट थे क्या नहीं, आज उस समय महंगाई का बड़ा रोना था, गाना बना था, बड़ा सुनने में आनंद आता था, महंगाई डायन खाए जाए, महंगाई डायन। अब किस कमरे में प्रधानमंत्री निवास में वो बैठी है डायन हमें पता नहीं, लेकिन 400 रुपये का सिलेंडर महंगा था, आज 950 का 1000 का है तो सस्ता है। फिर आप दाल देखिए, तेल देखिए, 60 रुपये अरहर की दाल, 65 रुपये आपका खाने का तेल, आज अरहर की दाल 180 रुपये किलो पहुंच गई है, 190 रुपये किलो पहुंच गई है, खाने का तेल 150 के ऊपर चल रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है, और कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है इनकी प्रशासन व्यवस्था पर, कहते पूछते, और आज हमारे ऊपर, जनता के ऊपर देश कितनी महंगाई उन्होंने ला दी है। और किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी जी ने किया है। सबसे पहले तो आप, मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 में चुनाव के पहले मोदी जी ने कहा था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, आपने सुना होगा, ये देखा, याद होगा, स्मरण इतने, और ओले जब गिरते हैं, आप देखें जिसमें से किसानी में रुचि रखते हैं या जानकारी रखते हैं, ओला जब गिरता तो एक लाइन सिंगा जाए, अब गांव के ही 5-7 जो लाइन में आते हैं, खेतों में फसल प्रभावित है, नष्ट हो गई, बाकी गांव की खड़ी हुई फसल, वर्तमान नियमों में उसको राहत नहीं मिलती। इसमें खेत इकाई, एक खेत को इकाई माना जाएगा हर किसान के खेत, और 30 दिनों के अंदर वो बीमा की राशि उसके खाते में सीधे ट्रांसफ़र होगी, ये हमारी योजना है। और फिर इसके बाद जो पाँचवीं है हमारी, इसमें हिस्सेदारी न्याय, ये इसको हमने हिस्सेदारी न्याय कहा है, और हिस्सेदारी का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर क्षेत्र में हिस्सेदारी हर वर्ग। तो ज़रूरी है कि जानकारी हो कि किस वर्ग की कितनी आबादी है। हमारा सेंसस तक नहीं हुआ है, और पिछला सेंसस 2011 में हुआ, 2021 ये परंपरा है, ये प्रैक्टिस है कि हर 10 वर्ष में सेंसस होता ही है, उसमें भी गणना होती है, जातिगत नहीं होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की, ये उस पत्र में, उस सर्वेक्षण में झलकती है। तो 10 वर्षों से नहीं हुआ है, या 12 वर्ष हो गए हैं नहीं हुआ है, इसमें जातिगत जनगणना होगी, और कितने पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्गों में भी अन्य जातियाँ उसमें समाहित हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, उनकी क्या संख्या है, दूसरे वर्गों में कितनी जनसंख्या है वो गिनती होगी, और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है,
पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम कहते हैं वो अति गरीब, गरीब और अति गरीब, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या जो दूसरे ओबीसीज हैं उनके समकक्ष वो पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया, ये सारी चीज़ें उस हमारे जो जनगणना होगी उसमें झलकेंगी। फिर आरक्षण का है, अभी आरक्षण की सीमा अनेक जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के और कई राज्य सरकारों ने बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 50% कट ऑफ है, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे। तो कांग्रेस पार्टी जनगणना को ध्यान में रखकर जो सर्वे होगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 50% के कैप को हटाएगी ताकि जो और गरीब हैं उनको और ज़्यादा आरक्षण मिल सके, और इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है अगर, तो वो भी कांग्रेस करेगी। फिर आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सब प्लान, एक इनके लिए अतिरिक्त से बजट आता है, केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार भी अपने बजट में इसका प्रावधान करती है, तो इनकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुरूप उतना प्रतिशत बजट इन हमारी जो योजना है सब प्लान्स है उसमें आवंटित हो, ये लोग ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। फिर इसके बाद है अपनी धरती अपना राज, एक ये भी हमारा विषय है, जहाँ एसटी की आबादी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कई ऐसे ज़िले हैं आप जानते हैं कुछ जैसे एक सीट सामान्य है, बाकी सब आरक्षित है और वो भी आदिवासियों के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तो जहाँ संख्या ज़्यादा होगी तो हम उसमें पेशा कानून लागू करेंगे। पेशा कानून का अपना अलग अवधारणा है जिसमें स्थानीय स्तर पर ही निर्णय लिए जाते हैं, काउंसिल बनती है आदिवासियों की, और जो सामान्य पंचायती राज है वो नहीं लागू होता, पेशा जहाँ अपन लागू करते हैं। ये हमारी जो न्याय पत्र है हमारा, उसका कुछ प्रमुख बिंदु हैं। हाँ, 100,000 रुपए तक का हेल्थ कवरेज, 25,00,000, इसमें सब तरह के ऑपरेशन हैं, ट्रांसप्लांट्स हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, आप जानते हैं कितने महंगे होते हैं। फिर आफ्टर ऑपरेशन हेल्थ केयर जो होता है वो भी एक लंबे समय तक चलता है। फिर साधारण जांचें होती हैं वो भी इसमें कवर्ड हैं, यानी हर तरह की जो हेल्थ से संबंधित परेशानी है, आवश्यकता है, सब इस योजना से कवर की गई है। और इसके बाद हमारे हाँ फिर एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो मजदूरों के लिए और वर्कर्स के लिए, जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें मृत्यु होती है या उनका जीवन बीमा है, उनका टोटल बीमा से कवरेज सबका, मजदूरों का और जो वर्कर्स हैं शहर में गांव में उनका किया जाएगा। और एक है सुरक्षित रोज़गार, आप भी शायद इससे सहमत होंगे कि अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें हर विभाग में करीब करीब, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार हो, आजकल कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था शुरू हो गई और कोई स्थायी रोज़गार नहीं दिया जाता है, जिससे हमेशा दुविधा रहती है काम करने वाले को, कब निकाल दिया जाए, उसको कोई उसके अधिकार नहीं मिलते, सुविधाएं नहीं मिलती, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम ख़त्म करके स्थायी रोज़गार वाली व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग करेंगे। फिर किसान न्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा विषय है किसान न्याय का। इसमें एक तो है सही दाम, आज देखें हमारा किसान आंदोलित है देश भर का, और ख़ास करके क्योंकि दिल्ली नज़दीक है उत्तर भारत के राज्यों से, तो वहाँ के लोग जल्दी पहुँच पाते हैं, और मध्य प्रदेश या अन्य प्रांतों के लोग किसान चाह कर भी नहीं पहुँच पाते क्योंकि यहीं रेलवे स्टेशन से उतार दिया जाता है, यहाँ से चले तो मानिकपुर में उतर जाते हैं या डबौरा में उतार देते हैं, तो वो पहुँच नहीं पाते। उत्तर भारत के लोग उसमें शरीक रहते हैं,
दो वर्ष पूर्व भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था आप सब परिचित हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये वहाँ पर अपने समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। समर्थन मूल्य अभी दिया जाता है, MSP ने खरीदी होती है निसंदेह, लेकिन बहुत कम राशि है। किसानों की जो लागत है और लागत बढ़ती जा रही है, आप सहमत होंगे कि जो खाद लगती है, यूरिया हो, DAP हो या कीटनाशक लगते हैं, बीज जो लगता है, सब के दाम बहुत ऊपर हो गए, बढ़ गए। और उसके अनुरूप जो अभी समर्थन मूल्य है वो पर्याप्त नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी। और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जो किसान मांग रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग ने जो प्रस्ताव किया है C2+50%, वो किसानों को दिया जाएगा, किसानों का हक है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, न्याय पत्र में है। और फिर उचित आयात निर्यात नीति, अभी आपने देखा होगा कहीं कहीं अचानक निर्यात खोल देती है सरकार गेहूं का या चावल का, और यहाँ पर भावों में बड़ा फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो यहाँ की परिस्थितियों को और किसान की स्थिति को देखकर ही आयात निर्यात नीति केंद्र सरकार बनाएगी। और फिर GST मुक्त खेती, अभी हर वस्तु पर GST लगती है। मुझे स्मरण है जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, बड़ा उनका भाषण चलता था कि दही पर भी GST, दूध पर भी GST, सारी चीज़ पर GST। आज क्या है, आज कोई भी आइटम अगर पैक्ड है, पैकेज दूध हो, दही हो, नमक हो, उसमें GST लगती है। और किसान भी जितनी चीज़ें इस्तेमाल करता है GST लगती है, और 18% न्यूनतम 18% का स्लैब है किसानी में, और किन्हीं किन्हीं वस्तुओं में 28% है। तो GST समाप्त की जाएगी किसानों के लिए। और फिर फसल बीमा की बात आती है, अभी लागू है, लेकिन आप पता करें, जानकारी लें किसानों से, जहाँ कहीं ये आती है, दुर्घटना होती है, ओले गिरते हैं, अतिवृष्टि होती है, सूखा पड़ता है, तो जो हमारी बीमा कंपनियां हैं, एक तो खेत इकाई नहीं माना जाता, पूरे पंचायत में गिरना चाहिए, नुकसान होना चाहिए, तब किसानों को मिलता है। और पर्याप्त राशि नहीं मिलती है, कब मिलती है इसका भी पता नहीं रहता है। तो हमारे इसमें खेत को इकाई हम बनाएंगे। इसके बाद हम लेते हैं नारी न्याय, उसका नाम दिया है हम लोगों ने नारी न्याय। इसमें सबसे पहली एक योजना है हमारी महालक्ष्मी योजना। महालक्ष्मी योजना के तहत परिवार की जो मुखिया नारी होगी, गरीब परिवारों की, उनको 1,00,000 वर्ष प्रतिवर्ष राशि दी जाएगी, ताकि वो परिवार मुकम्मल रूप से सामान्य चीज़ों का क्रय कर सके, वो भी मुख्यधारा से जुड़ सके, और एक उसको सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा हो, ये देने का प्रावधान है हमारे न्याय पत्र में। और आधी आबादी महिलाओं की, ये तय किया है हमारी पार्टी ने कि 50% पद भारत सरकार जितने भी हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, यानी 50% पुरुषों के लिए और 50% महिलाओं के लिए। शक्ति का सम्मान, ये जो हमारी महिला गांवों में काम करती हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, हमारी शहरों में ऊषा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, बहुत मेहनत करती हैं। और आप भी सहमत होंगे कि कोविड काल में इन महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया था, और जनता से संपर्क इन्होंने उन परिस्थितियों में भी बनाए रखा। तो इनको जो राशि मिलती है उसमें केंद्र सरकार देती है और कुछ अंश राज्य सरकार का होता है। तो ये तय किया है हमारी पार्टी ने कि जो अभी राशि केंद्र सरकार दे रही है, अपना अंश दे रही है, उसको दुगना करेगी,
जो भी दे रही है उसको दुगुना करेगी, आशा के लिए, उषा के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएँ, ये सब करेगी। फिर हमारी अधिकार मैत्री योजना है, ये एक महत्वपूर्ण नई योजना शुरू कर रहे हैं। हर गांव में एक महिला मित्र करके एक महिला की नियुक्ति होगी, जो गांव की महिलाओं को उनके क्या कानूनी अधिकार हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे वो लाभ ले सकती हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को, बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित भी है या कम शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, वो समझ नहीं पाती कि उनको कौन किस किस योजनाओं से लाभ मिल सकता है। तो उस महिला मित्र का अधिकार मैत्री नाम दिया है योजना का, वो इनको समझाएगी। फिर जो शहरी हॉस्टल्स महिलाओं के लिए, उसकी बड़ी ज़रूरत है। आज बहुत बड़ी संख्या में हमारी लड़कियां पढ़ती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, और कहीं कहीं तो बड़े आश्चर्यजनक दृश्य होते हैं। हमारे ही क्षेत्र अमरपाटन के कॉलेज में 4000 स्टूडेंट्स हैं, 4000 में 2500 लड़कियां हैं और 1500 लड़के हैं, इतनी बड़ी संख्या में। तो गांवों से आती हैं, रोज़ाना जाना दिक्कत, और बड़े शहरों से में आती हैं। तो सावित्री बाई फूले हॉस्टल्स क्षमा करें, ये अभी चल रहे हैं, इनकी पर्याप्त संख्या बनाई जाएगी, इनका क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। ये हमारी नारी न्याय योजना है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। फिर एक श्रमिक न्याय है, जो हमारा एक कमज़ोर कड़ी है हमारे समाज की, जो गांवों में भी श्रम करती है, शहरों में भी बड़ी मात्रा में काम करती है, और हमारी अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, बिना इनके सहयोग और योगदान के चल नहीं सकता सही। इनके लिए भी न्याय देने के लिए योजना है। एक तो जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, उसमें अभी जो प्रावधान है, अलग अलग ज़िलों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन रीवा में भी मुझे लगता है 223 रुपए से ज़्यादा प्रतिदिन मजदूरी नहीं हो रही है। अब 223 रुपए अगर आप देंगे इस महंगाई के समय में, जहाँ हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उसका गुजारा तो नहीं होगा, और गुजारा नहीं होगा इसलिए वो काम करने वहाँ नहीं आएगा, वहाँ काम नहीं करेगा तो पलायन होगा, बाहर जाएगा। तो हमारे यहाँ के श्रमिक, कोई महाराष्ट्र चला जा रहा है, कोई गुजरात चला जा रहा है, ये हर राज्यों में ये स्थिति, उत्तर भारत के राज्यों से, दक्षिण में नहीं है ये स्थिति, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों से, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हमारा प्रांत हो, और भी तमाम प्रदेश हैं, उनका पलायन होता है दूसरे शहरों में, और वो खुशी खुशी नहीं जाते हैं, क्योंकि परिवार से दूर रहना पड़ता है, वहाँ किन परिस्थितियों में काम करते हैं, पैसा उनको मिलता है नहीं मिलता, बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं। तो ये तय किया है हमारी पार्टी ने कि मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा, और इसका समय समय पर रिवीजन भी होगा आवश्यकतानुसार। तो मजदूरों को 400 रुपये प्रतिदिन, और शहरी रोजगार गारंटी भी शुरू करेंगे, जिस तरह से मनरेगा है, रोजगार गारंटी ग्रामीण अंचल की है, तो शहरों में भी इस योजना की शुरुआत पार्टी करेगी, और उसके लिए भी जो उचित दर होगा वो निर्धारित करेगी। फिर हमारा सबको स्वास्थ्य योजना, एक बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है, और राजस्थान में ये अशोक गहलोत जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी, लोगों को लाभ भी मिलने लगा था। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को, जो गरीब परिवार है, सामान्य परिवार है, ये सबके लिए होगी करीब करीब। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित मीडिया के सभी आदरणीय मित्रों, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी, शहर के अध्यक्ष रतनलाल खंडेलवाल जी, हमारे महापौर आदरणीय बाबा, हमारे तिवारी जी, हमारे पटेल जी संगठन मंत्री, हमारे मीडिया प्रभारी हरिहार जी, आज ये जो
पत्रकार वार्ता बुलाई गई, ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको हमने न्याय पत्र नाम दिया है। उसके जो मुख्य बिंदु हैं, वैसे तो 48 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट है, हर विषय पर एक दृष्टि है, विजन कांग्रेस का, आगे क्या करेगी कांग्रेस, उसका सबका समावेश है इसमें। तो लेकिन 5 जो मुख्य बिंदु हैं, एक है महिलाओं के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, हमारे जो श्रमिक हैं उनके लिए न्याय, और किसानों के लिए कृषक न्याय, और एक है हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो सबके लिए है, सब उसमें शामिल है। मुझे प्रसन्नता है आज आप सबके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूं, और मैं समझता हूं 17 वर्षों बाद, हालांकि हम पड़ोसी ज़िले के हैं, यहां का प्रभारी मंत्री भी मैं रह चुका हूं, लेकिन ये बड़ी प्रसन्नता है कि आज मुझे अवसर मिला है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का। प्रदेश कांग्रेस ने मुझे निर्देश दिया था, आज आपके बीच में उपस्थित। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए अपने विजन को, भविष्य के विजन को न्याय पत्र के माध्यम से देश की जनता के सामने रखा है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी 400 किलोमीटर की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जिसका नाम दिया गया था, और उसके बाद 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने की थी, और वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग उनसे मिले थे, उनका संवाद हुआ था, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी, समसामयिक विषयों पर चर्चा की थी, तो उनके समाधान हेतु इस चुनाव में कांग्रेस क्या करेगी, जो मुख्य 5 बिंदु आपको हमने बताए हैं उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। इस न्याय पत्र में वो सब शामिल है। सबसे पहले है युवा न्याय। इसमें ये कांग्रेस ने तय किया है कि हर शिक्षित युवा को 1,00,000 रुपए अप्रेंटिसशिप योजना के तहत दिया जाएगा, उसको अधिकार के रूप में। तो एक भर्ती भरोसा है, 30,00,000 पद खाली, 2,00,00,000 वादा हर वर्ष रोजगार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का था, लेकिन बामुश्किल जो हमारे पास आंकड़े हैं 5 या 6 लाख पद भरे गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, अभी भी 30,00,000 पद केंद्र सरकार में खाली है। तो कांग्रेस ने ये तय किया है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो 30,00,000 पद 1 वर्ष के भीतर भरे जाएंगे। युवा जो परीक्षा में बैठते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है पेपर लीक की, और हर राज्य में आप देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो महामारी है, वहाँ तो 7 इम्तहान घोषित हुए, 7 के 7 के परीक्षा लीक हो गए। तो ये इसके लिए कानून बनेगा, और जो अपराधी होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनेंगे, उसमें उनका ट्रायल होगा और सज़ा मिलेगी, और मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी कि भविष्य में लीक, पेपर लीक ना हो। फिर हमारे गिग वर्कर्स से तात्पर्य है जिस तरह से आपके ये डिलीवरी बॉयज़ हैं, आज हजारों की संख्या में, अब लोग दुकानों में ख़रीदारी करने कम जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आपके घर में सामान पहुंच जाता है 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, लेकिन बड़ा असुरक्षित व्यवसाय है इन नौजवानों का। इनको संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा गारंटी हम लोग देंगे, ताकि ये भी इनका भी भविष्य अंधकारमय ना हो। युवा रोशनी युवाओं के लिए हमारा प्रोजेक्ट है,
जिसमें एक 5,000 करोड़ का कॉर्पस रखा जाएगा स्टार्टअप्स के लिए, तो जो युवा पढ़कर अपना रोजगार स्वयं का करना चाहते हैं तो उस कॉर्पस के माध्यम से किया जा सकता है। ये जो फंड है इक्विटी का, बाकी बैंक लोन देंगे। 5,000 करोड़ की राशि पर्याप्त है, अवसर ज़रूरत पड़ने पर ये बढ़ाई भी जाएगी।